राजस्थान की राजनीति की बात हो और सचिन पायलट की बात ना हो, ये तो संभव नहीं है। नमस्कार, मैं हूँ छवि अवस्थी और आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल। आज हम बात कर रहे हैं सचिन पायलट की। नाम तो पायलट है, लेकिन इन दिनों राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ सचिन पायलट ड्राइवर बने हुए हैं। जी हाँ, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर एक फोटो शेयर किया है जिसमें वो गाड़ी की स्टीयरिंग हाथ में थामे हुए गाड़ी चलाते नजर आ रहे हैं। अब इस फोटो के बाद से ही कई कयास लगाए जा रहे हैं और सियासी अटकलें भी तेज हो गई हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हाथ में स्टीयरिंग थामे सचिन पायलट की ये फोटो यूं तो एक आम प्रोफाइल पिक की तरह नजर आ रही है, लेकिन राजनीति में एक कहावत है कि नेताओं की चाल समझने के लिए उनके भाव समझना बहुत जरूरी है। और इसी कारण पायलट की इस फोटो को देखकर कई राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि पायलट राजस्थान की राजनीति का स्टीयरिंग अपने ही हाथ में रखना चाहते हैं। पिछले कुछ दिनों से राजस्थान में काफी सियासी उठापटक हुई है और यही कारण है कि अब पायलट को लेकर कई कयास तेज हो गए हैं। राज्यसभा चुनाव के दौरान हुए सियासी ड्रामे के बाद से कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाहते हैं कि पीसीसी चीफ कोई और बने। वहीं पीसीसी चीफ यानी सचिन पायलट, जो कि काफी लंबे समय से इस पद पर हैं, वो इसके लिए लॉबिंग तेज कर रहे हैं और वो इस सीट को नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो ये पूरा घटनाक्रम कहीं ना कहीं इसी कुर्सी के आसपास घूमता नजर आता है। पायलट की इस फोटो को इसी सियासी घटनाक्रम से जोड़कर देखा जा रहा है। पायलट ने इस फोटो के जरिए ये मैसेज दिया है कि वे राजस्थान में ड्राइविंग सीट पर ही रहेंगे। यहाँ ये बात गौर करने वाली है कि सचिन पायलट पिछले 5 साल 6 महीने से पीसीसी चीफ के पद पर काबिज हैं। अब राजस्थान में सियासी चर्चाओं का बाजार है कि जो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इन्हीं चर्चाओं में से एक चर्चा ये भी है कि दिल्ली से सचिन पायलट को अपने राजनीतिक करियर में थोड़ा सब्र रखने की सलाह दी गई है और कहा गया है कि उनका राजनीतिक करियर बड़ा लंबा है, लेकिन वो सब्र रखकर चले। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि आने वाले समय में सचिन पायलट को दिल्ली में एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाए और वहीं राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष पद और संगठन की जिम्मेदारी किसी एक नए व्यक्ति को सौंप दी जाए, जिससे कि संगठन और सरकार के बीच तालमेल बना रहे। इसी तरह के वीडियोस के लिए देखते रहिए द एंगल। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो शेयर और लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।